उसने, वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरा अकाउंट नहीं है, मेरे अकाउंट में कैसे लेन देन हो जा रही है। उसके बाद में भी वो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये एक नहीं है, ऐसे हजारों प्रकरण हैं। क्या किसी बैंक में अगर 1 लाख 2 लाख 5 लाख की लेन देन होती है, सामान्य सब लोग जानते हैं, बैंक वाला पूछता है कि आपके अकाउंट में पैसा लूं कि नहीं लूं, ये आपका पैसा है कि नहीं है। अगर वो करोड़ों की लेन देन हुई और आपके संज्ञान में आए हो, पुलिस वाले जा करके बैंक में पूछते हैं, तो फिर संज्ञान में आने का विषय कहां बसता है माननीय अध्यक्ष महोदय? जब शासन के संज्ञान में आ गया, पुलिस विभाग के संज्ञान में आ गया, आपने FIR दर्ज कर दी और बैंक में जाकर के आप पूछताछ कर रहे हैं, वो बैंक वाले को, बैंक वाला धमका रहा उसको वही पुलिस वालों के सामने। अब प्रश्न में आ जाइए, अब मूल प्रश्न पे आई गए अध्यक्ष महोदय, यही तो मेरा पूछना है। आप कह रहे हैं कि अगर संज्ञान में नहीं है तो पुलिस वाला कैसे उसके साथ में बैंक में गया? फिर आगे प्रश्न हो रहे छोटे छोटे। जो प्रावधान उपलब्ध थे सार्वजनिक द्वित अधिनियम 1867 के, उसके अंतर्गत ऑनलाइन गेमिंग के लिए, बेटिंग के लिए कोई प्रावधान नहीं था। कालांतर में कुछ प्रावधान बनाए गए और उसमें 1 साल से 7 साल तक की सजा है, 10 लाख तक का जुर्माना है। उन प्रावधानों के आधार पर इस पर काम किया जा रहा है। मैंने बताया कि 54 चालान पुटअप हो गए। किसी के बयान के आधार पर किसी को फांसी नहीं चढ़ाई जा सकती, परंतु इस आधार पर जांच की जो प्रक्रिया है वो जरूर जारी है। मैं फिर से आपसे ये कहना चाहता हूँ माननीय सदस्य महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पूरी ताकत के साथ इस पूरे विषय का जांच किया जाएगा। कोई दल, कोई और समाज, किसी की भी परवाह किए बिना जो जो गुनहगार हैं उन सबको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। चलिए, बहुत निर्धारित जैसे ही होता है ये विषय, प्रामाणिकता के साथ कोई बात सामने आती है, मैं फिर से कहता हूं माननीय विष्णुदेव जी की सरकार है, 1 घंटे के अंदर कार्यवाही होगी। चलिए, कोई और छोटा प्रश्न? ये बहुत प्रदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप महत्वपूर्ण प्रश्न में मैं आपसे 12 मिनट अकेले प्रश्न करता हूँ इस प्रदेश की जनता की। छोटा प्रश्न और कर ले, ये ना छोटा, आपने जो उत्तर दिया सरकार सामान्य प्रश्न पूछा, आप क्या, आपने कहा पहले संज्ञान में नहीं आया, जब संज्ञान में नहीं आया तो बयान कैसे हुआ? सीधा सीधा प्रश्न, जब सरकार के संज्ञान में नहीं है तो फिर पुलिस अधिकारी जाकर कोर्ट में, वहां बैंक को बयान कैसे हो रही है, क्यों चीज? दूसरा, कितने करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन उनके माध्यम से बैंकों से हुआ, जरा यह स्पष्ट कर दे, फिर आगा प्रश्न में पूछूंगा अध्यक्ष जी। बस धन्यवाद लीजिए। एक जो विषय अभी सामने है जिसकी जानकारी हाथ में है, मैं आपको जरूर उपलब्ध कराता हूं कि 507 अकाउंट जो रायपुर के फ्रीज होने वाले थे, इनमें से 221 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन यहां तक हम पहुंचे हैं, पता लगा है। थर्ड पार्टी को भी इसमें एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक एक अकाउंट को खंगाल कर ये जान पाए कि ये राशि इन खातों के माध्यम से कहाँ जाती थी और उसके बाद फिर अगला ट्रांजेक्शन उसका कहाँ होता था, ये राशि कैसे दुबई तक पहुँच जाती थी, इस पूरी की जाँच करवाई जा रही है। मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूँ कि संज्ञान का अर्थ यही है, जो बात बयान में आई है वो बयान कोर्ट के सामने रखी गई है, अभी कोर्ट को भी फैसला करना होगा, कोर्ट का कोई फैसला आ जाए उस पर बात कर लेंगे। मैं आपसे और एक बात बताना चाहता हूं कि विभाग ने तो आगे बढ़ करके लोगों की फरारी होने का आवेदन कोर्ट में दिया हुआ है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि उनके संपत्ति के चिन्हांकन की बात प्रारंभ हुई है, उनके संपत्ति को चिन्हांकित करके कुर्क करने की बात हम सामने लेकर आ रहे हैं। मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि बड़ा चर्चित था पूरे छत्तीसगढ़ में कि नागपुर से एक चार्टर्ड प्लेन दुबई तक गया है, उन सारे बारातियों की सूची भी ले रही है हमारा विभाग, और सरकार के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सारी सूची हाथ पे आने के बाद सब पर जांच होगा, सब पर जांच कराई जाएगी, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा माननीय अध्यक्ष महोदय। चलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उप गृह मंत्री की, उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री का विभाग है, उनकी किसी भी बात के ऊपर मेरे को तो पूरा 100% विश्वास है, लेकिन जो नुमाइंदे लोग बैठे हैं, जो पूरे काकस के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, उन्हीं के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर है। क्या एक SI ने बयान दिया ED को,
चंद्रभूषण वर्मा, उसने किन किन के नामों का उल्लेख किया और उन पर क्या कार्रवाई करेंगे? चलिए, इस बेसिक प्रश्न। ठीक जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, वो बयान जिसको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लिया है और जो कोर्ट में, रायपुर के कोर्ट में जमा है, उस बयान का कोई अधिकृत, इसकी कोई अधिकृत जानकारी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा शासन को नहीं दिया गया है। ये जानकारी आने के बाद, अधिकृत जानकारी आने के बाद प्रमाणिकता उसमें है तो तुरंत कार्यवाही की जाएगी। मैं बिल्कुल इस बात को कहता हूं आपसे। फिर मैं आपके संज्ञान में लाता हूं, विभाग फिर आपको गुमराह कर रहा है। 3 जनवरी को शासन को पत्र आ चुका, 30 तारीख को फिर रिमाइंडर आ चुका। 3 जनवरी अगर तारीख नहीं है तो तारीख बता देता हूं। ईडी के द्वारा शासन को भेजा गया, जब कोई संज्ञान में नहीं लिया, उत्तर नहीं दिया, तो 30 तारीख को फिर वापस रिमाइंड आया। अगर उसका बयान पूरे सुर्खियों में समाचार पत्र से लेकर के सोशल मीडिया से लेकर के आम जनता के बीच में चल रहा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं अध्यक्ष महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री जी, एक छोटा सा उदाहरण विभाग की गंभीरता। कल मेरा एक प्रश्न था और प्रश्न लग नहीं पाया। पीडब्ल्यूडी के खिलाफ में एक प्रश्न, मेरी एक शिकायत की किसी ने, फर्जी शिकायत, और उस समय भी मैंने जनता से कहा कि इसकी जांच कोई रिटायर्ड जज से करा लो। तत्काल मुख्यमंत्री ने लिखा, तत्कालीन समाज के उस समय के मुख्यमंत्री, FIR दर्ज की जाए और EOW को केस गया, जिसके कोई तथ्य नहीं है, जिसकी कोई जानकारी नहीं है। एक आदमी ने आवेदन दिया और EOW इतना सक्रिय हो गया और तत्काल उसकी विवेचना डिपार्टमेंट के अंदर आ गया। चलिए मूल विषय में आइए। तो मूल विषय यही अध्यक्ष महोदय कि अगर 3 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आने के बाद में भी किन अधिकारियों को बचाने का काम हो रहा है, इसके पीछे बड़े बड़े लोग हैं, इसकी जो उस समय के तार थे उसके अंदर नाम है, किसी को 30 लाख रुपया महीना, किसी को 50 लाख रुपया महीना, किसी को 1 करोड़ रुपया महीना। यह मैं नहीं कह रहा हूं, पूरे समाचार पत्र से और सुर्खियों में छपा है। तो क्या सरकार स्वयं विवेचना के रूप में, क्या संज्ञान में लेकर के क्या इसकी जांच नहीं कर सकती? आज तक EOW ने इसके ऊपर जांच क्यों नहीं की? क्या यह सरकार इस केस को CBI को देगी? क्योंकि इसके तार देश तक जुड़े हुए अध्यक्ष महोदय, और यह दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, यह मेरा आग्रह। ठीक, धन्यवाद। हमारे प्रशासन विभाग से इस विषय पर पूरी जानकारी ली गई थी। अंतिम जो उनसे जानकारी प्राप्त हुई है वो 5 फरवरी की है कि इस विषय पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से कोई अधिकृत जानकारी प्राप्त नहीं हुई। चलिए सेन जी, ठीक, मैंने अध्यक्ष 17 में 18 मिनट हाथ जोड़ के प्रार्थना है। प्रदेश का सबसे बड़ा स्कैंडल केस का मामला है, अन्य विषय और आएंगे, विषय बहुत महत्वपूर्ण, सब पर आप लीजिए। लेकिन आप कह रहे हैं आपके पास एक गलत जानकारी है, मैं आप कहेंगे तो मैं सदन के पटल पे रख दूंगा। चलिए रख दीजिए। कि जिस तारीख को ये गया है, 3 तारीख को कोर्ट के अंदर जिस वकील ने इस बात को वहां पर मैसेज किया, वो भी जानकारी है। आप मंत्री जी को दे देंगे विभाग? मैं तो ये दस्तावेज दे दूं, आप कहें तो अध्यक्ष महोदय, मैं लगातार 2 साल के खिलाफ लड़ता रहा हूं। ठीक, मैं पूरे के पूरे कौन कौन संचालन करता, किस किस की गैंग के रूप में, किसने किसकी से कितने रुपए लिए दिए, कहां कहां किसके साथ विवेचना हुई, किस दिन किस थाने के अंदर FIR दर्ज हुई, और FIR होने के बाद में अभी तक एक भी FIR तो हुई है अध्यक्ष महोदय, विवेचना भी हुई, लेकिन एक भी बड़ी मछली पकड़ में नहीं। चलिए, कोई जानकारी हो तो उपलब्ध करा देंगे। सेन जी, आप एक छोटा प्रश्न कर लीजिए, आप उपलब्ध करा दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है, इसकी जांच की घोषणा करें। चलिए, कुछ घोषणा करना है तो बताइए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, कोई मछली भी नहीं मगर मच्छ भी हो, हाँ, तो भी पकड़े जाएंगे। आपने बहुत बढ़िया। चलिए, आपसे ये कहता हूँ, ठीक ठीक, अब तक की जो स्थिति है वो यही है। आपके पास कोई अतिरिक्त जानकारी है अवश्य उपलब्ध कराएं आप। और आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जांच में वो अंतिम स्थिति में है, और इस स्थिति में फिर एक नई एजेंसी जांच कराना, नहीं नहीं, प्रतीक्षा हम अध्यक्ष महोदय देख लेते हैं क्या स्थिति है। ऐसा नहीं है, मेरा आग्रह फिर इस पर है अध्यक्ष महोदय,
आप कह रहे जांच की आवश्यकता नहीं, वही तो अधिकारी वहां बैठे हैं जिनके ऊपर आरोप है। जांच करेगा कौन? सही अब है कोतवाल को डर किसका? जिनके खिलाफ में आरोप, पूरे प्रदेश को बर्बाद करने का ठेका लेकर के बैठे, वही वहां जाकर पीएस क्यों बैठे? ठीक राजेश जी, बहुत बढ़िया। मेरा आग्रह सर, जांच होना चाहिए। आप जो भी जांच करें, विधायक दल से करें, जिससे भी करें, इस प्रदेश में नजीर बनना चाहिए कि गिरोह बनकर के जनता को लूटने का जो काम करते हैं उनको सजा मिलना चाहिए। यही मेरा आग्रह है। धन्यवाद। सेन कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी पे प्रश्न ले, एक मिनट इसके बाद ले लूंगा आपको, इस पे प्रश्न नहीं पूछूं, इसी में ले लूंगा, इसके बाद सेन के बाद आपको। माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से आदरणीय मुनत जी, माननीय सदस्य जी ने अपनी चिंता व्यक्त की। भिलाई को खेल धानी और शिक्षा धानी के रूप में जाना जाता था, अब ये महादेव ऐप के रूप में जाना जा रहा है। मेरा मूल प्रश्न यही है माननीय अध्यक्ष महोदय कि युवाओं की चिंता इन्होंने की। मेरे विधानसभा से 20,000 से अधिक युवा इसमें लिप्त हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो प्रशासनिक अधिकारी है जिनकी दुर्ग जिले में पिछले 5 वर्षों में लगातार पोस्टिंग हुई है, पुलिस प्रशासन के लोगों के पास खुद के पास आईडी है, लोगों के पास अधिकारियों के पास है, राजनीतिक दल के अलग अलग नेताओं के पास आईडी है, लेकिन आज तक सिर्फ 90 युवाओं को जो है अरेस्ट किया गया, वो भी मुचलके पे थाने से छोड़ दिया गया। इस पर सही रूप से किसी भी प्रकार की आज तक कार्रवाई नहीं हुई, और तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय जो भी थे उनका भी संरक्षण साफ था, ये भी हमको देखने को मिला था। तो इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, महादेव ऐप को लेके विशेष रूप से जांच करने की आवश्यकता है। जिन बरातियों के विषय पे माननीय गृह मंत्रियों ने कहा कि जो बराती गए थे उनकी लिस्टिंग होगी, वो बराती की लिस्टिंग लगातार नेशनल न्यूज पे दिया जा रहा है, और भिलाई में खुलेआम घूम रहे हैं, उन बरातियों पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ऐसे एडिशनल SP जो उस जिले में पोस्टिंग होकर, ऐसे SP, ऐसे IG जिन्होंने 5 साल खुद आईडी लेके लगातार महादेव आईडी का ऐप का संचालन किया है, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से कि इस पे क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि अभी तक छोटे लोगों पे कार्रवाई की गई है। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है, कानून का राज होना चाहिए और कानून के नज़र में कोई छोटा या बड़ा हरगिज नहीं होना चाहिए। वैसे गिरफ्तारी के संदर्भ में उनके आंकड़े को मैं दुरुस्त करूं कि यह 482 लोगों की गिरफ्तारियां आज तक हुई हैं इस विषय पर। दूसरा मसला है कि जिन अधिकारियों के संदर्भ में चर्चा है, ईडी के चालान के संदर्भ में ले लें या सोशल मीडिया पर या मीडिया पर प्रचलित सारे विषयों को लेकर के जो बात चल रही है, प्रामाणिकता की बात है, एक बार प्रमाणित होने के बाद माननीय सदस्यों को इस विषय पर कार्यवाहियां होती दिखेंगी, उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। महोदय, ये बात सच है कि महादेव सट्टा ऐप सरकार के संरक्षण के बगैर छत्तीसगढ़ में फल फूल नहीं सकता था। बाकी तो तकनीकी पक्ष आप बता रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, मैं तो आपसे एक ही मांग करना चाहता हूँ गृह मंत्री जी, आप स्टेट प्लेन ले लीजिए शनिवार को और चले जाइए उत्तर प्रदेश, और योगी बाबा से पूछ के आ जाओ, ये बुलडोजर जो खड़ा है ना, वो जो जो इसमें फंसे हैं 10-5 का बुलडोजर में गिरवाओ, तब थोड़ा खौफ पैदा होगा कि कितना कायदा कानून में आप चलोगे। यहाँ तो बड़े बड़े वकील आ जाते हैं, वो क्या क्या मलानी है और क्या क्या इंग्लिश इंग्वी इब्बल सिब्बल सब आ जाते हैं, आप कहाँ पुरोगे वो 1-1 करोड़ फीस वालों के सामने में। बुलडोजर को मारो, ड्राइवर को कुछ खिलाओ पिलाओ, भेज दो, तोड़ ताड़ के आ जाए, तब थोड़ा खौफ पैदा हो। चलिए, बहुत अच्छा। खौफ का नाम पुलिस है, डर पैदा करिए डर अपराधियों में। किसके घर में पुलिस नहीं खड़ी होती है? धन्यवाद। और ये 300 जो पकड़ाए हैं उसमें 5 को उड़वा दो। महादेव सट्टा पूछ रहे? नहीं नहीं, मैं एक पूछ लेता हूँ। उमेश पटेल जी के स्थान पे पूछ रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 2। मैं माननीय अध्यक्ष, आपका नंबर बाद में आएगा। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, किसमें पूछ रहे हैं? महादेव पे? मैं महादेव सट्टा में। एक मिनट रुकिए। माननीय हमारे सदस्य राजेश मुणत जी ने जो प्रश्न उठाए हैं, पूरे प्रदेश में लाखों करोड़ों लोग बर्बाद हुए हैं और उनको जो सह देने वाले हैं आज भी मस्त यहाँ घूम रहे हैं, लेकिन जो विवेचना जो आई, जिनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कार्रवाई हुई नहीं, और वास्तविक में ये कार्रवाई नहीं होगी
तो ये सट्टा चलते रहेंगे, ऐप चलते रहेंगे। आज आपका भी प्रश्न है, बाकी लोग छोटे लोग को पकड़ना आसान होता है। कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई हो नहीं रही माननीय अध्यक्ष महोदय, संक्षिप्त करिए। जांच होनी चाहिए और कोई ना कोई जांच के धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर नहीं आया है उसमें। एक भी लोगों को भविष्य चौपट करने का काम किया गया है, इसलिए माननीय मंत्री जी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि उनके भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं और ये जो महादेव एप सट्टा जो खिलाने वाले जो घूम रहे हैं, ऐसे लोगों पर आप कार्रवाई नहीं करेंगे और उनको नहीं रोकेंगे तो आने वाला भविष्य युवाओं का ठीक नहीं होगा, इसलिए इस पर तत्काल कार्रवाई की घोषणा करनी चाहिए। संगीता जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट संगीता, माननीय मंत्री जी का जो बयान आया मुझे अपर्याप्त लगता है उसमें। ये विषय जितना गंभीर है, कोई कमिटमेंट सरकार की ओर से आना चाहिए कि इसको हम समयबद्ध ढंग से इतने दिन में निराकृत करेंगे करके। चलिए, ये बड़ा ज्वलंत विषय है, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा, पांच साल जो पोस्टिंग हुई है वहाँ पे इतने भी अधिकारियों छोटे छोटे लोग ही इसमें गिरफ्तार की जांच की जाए। चलिए अध्यक्ष जी, पांच साल दूर जिले में जितनी भी पोस्टिंग हुई है उसकी जांच किया जाए। 26 मिनट हो गए, चलिए आदरणीय अगला प्रश्न आने दीजिए। आप 26 मिनट हो गए, बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, लेकिन निर्णय नहीं निकल पाया। निर्णय तो कुछ नहीं, वो उत्तर वही है माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रदेश का सबसे बड़ा घोषणा कर दीजिए कि 5 साल कितनी पोस्टिंग हुई है, उन अधिकारियों की जांच होगी। केंद्रीय गृह मंत्री तक इस पे चिंता व्यक्त कर चुके हैं माननीय अध्यक्ष जी, और हम लोग लगातार ये विषय इतना ही है कि उसमें जो भी है समयबद्ध घोषणा करें क्या उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है अध्यक्ष जी, अपनी सरकार नगर में आप घोषणा करें ना, आदरणीय वैशाली नगर में पान ठेला चलाने वाला युवा आईफा अवार्ड का आईफा अवार्ड पर फाइनेंस का हुआ है। चलिए दूसरे प्रश्न में आ जाइए, धन्यवाद। आपने कहा कि महादेव की जटा से गंगा निकली है, तो निकल तो नहीं रही गंगा, कहीं रुक गई है? कम से कम इस मंदिर से अच्छा संदेश चला जाए, इस मंदिर से अच्छा संदेश चला जाए, कार्रवाई होना चाहिए, इस मंदिर से अच्छा। ठीक है, जवाब देने खड़े हो गए मंत्री जी, मंत्री जी खड़े हैं भाई। चलिए मंत्री जी कुछ बोल रहे हैं, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि जांच केंद्र की एजेंसी कर रही है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रही है, और उनका जांच अंतिम स्थिति में है, वो चालान पुटअप कर चुके हैं। अरे आप प्रतीक्षा कर लें, एक बार उस चालान को देख लें, जो आप चाहते हैं वो चालान में है। एक मिनट माननीय उपग्रह मंत्री जी, 164 के बयान के तहत ईडी का बयान अपने आप में कोर्ट में दिया हुआ बयान माना जाता है, अगर नहीं है तो विभाग क्लियर कर लें। धारा 164 के तहत जो बयान दिया गया है चंद्रभूषण ने, और एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला जयललिता जी के उसमें आया है कि इसके अंदर वह पार्टी नहीं बन सकते और उनको 15 दिन में इस पर फैसला करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला हो चुका है। जब इतना सब कुछ साथ छोड़ने के बाद में भी आप किनको बचाना चाहते हैं? किसी के नहीं है ये, किसी के नहीं है, ध्यान रखना, ये सिर्फ कुर्सी के सलाम करने वाले हैं। जिन जिन को आप बचाना चाह रहे हो वो किसी के नहीं है, वही अपने ऊपर डंडा चलाए हैं, वही आंसू गैस फेंके हैं, वही फर्जी केस बनाए हैं, और वही आपको लिख करके दे रहे हैं कुछ नहीं होना है, महादेव की जटा से गंगा निकलनी चाहिए। और आपने कहा ये दर्द मेरा नहीं है, दर्द आपका भी है, इस पे कोई ना कोई फैसला होना चाहिए, ये उम्मीद है। मोड़ा जी।